निषाद पार्टी के प्रदेश प्रभारी व चौरी चौरा के विधायक इंजीनियर श्रवण निषाद के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने कसरवाल कांड की 8वीं बरसी पर जिलाधिकारी के माध्यम से प्रधानमंत्री को ज्ञापन प्रेषित किया, जिसके संबंध में चौरी चौरा के विधायक इंजीनियर श्रवण निषाद ने बताया कि 7 जून 2015 को कसवर आंदोलन में स्वर्गीय अखिलेश निषाद शहीद हो गए थे। उस समय तत्कालीन सरकार ने गोलियां बरसाया था, जिसमें स्वर्गीय अखिलेश शहीद हो गए थे। उस समय सपा सरकार ने दर्शाया था कि सपा सरकार केवल वोट लेना जानती है, इसलिए निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संजय निषाद ने समाज को जगाया। हम लोग आज के दिवस को काला दिवस के रूप में मना रहे हैं। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए निषाद पार्टी के प्रदेश प्रभारी व चौरी चौरा के विधायक इंजीनियर श्रवण निषाद ने कहा, नहीं, आज के दिन हम लोग जो है सपा सरकार के कार्यकाल को उजागर करना चाहते हैं, क्योंकि आज ही के दिन हमारा एक भाई शहीद हुआ था, कसरवाल कांड हुआ था। मछुआ समुदाय के लोगों ने जो है अपनी आरक्षण को मांग को लेकर जो है 7 जून 2015 को जो है कसरवाल आंदोलन किया था, जिसमें सपा सरकार ने जो है अंग्रेजी हुकूमत को दर्शाया था और वो लाठी डंडे नहीं सीधे गोलियां बरसा के जो है अंग्रेजी शासन को दर्शाया कि इसे साबित हो रहा था उसी समय कि सपा सरकार सिर्फ मछुआ समुदाय जो 18% की आबादी उत्तर प्रदेश में है सिर्फ वोट लेने का काम करती है, उन्हें मान सम्मान स्वाभिमान दिलाने का काम नहीं करती है। और धन्य है निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जिन्होंने मछुआ समुदाय को जगाया, उनकी ताकत को प्रदर्शित कर दिया। आज मछुआ समुदाय ने सपा सरकार को जवाब दिया। आज वो देखिए जो कभी फ्री में वोट लेके हवा में उड़ते थे, आज जमीन पर रेंगते नजर आ रहे हैं। आज काला दिवस है क्योंकि आज ही के दिन सपा सरकार ने हमारे एक भाई को जो है गोली चलवा के उसे शहीद कर दिया था। और आज भावपूर्ण श्रद्धांजलि के तहत हम लोग जो है भारतीय जनता पार्टी को धन्यवाद भी ज्ञापित करते हैं जिन्होंने देश को आज़ाद हुए लगभग 75 साल हो गया, मगर जो मान सम्मान स्वाभिमान किसी ने नहीं दिया वो भारतीय जनता पार्टी ने दिया है। चाहे वो निषाद राज बोर्ड का मामला हो, चाहे निषाद राज किले का मामला हो, चाहे अध्यक्ष मामला हो या मत्स्य योजना का मामला हो,